friends, welcome to Top Career. This is Mohammed. I am a professor and an engineer. Today we're going to discuss how to become a pilot. क्या आपको पायलट बनना है? क्यों बनना है आपको पायलट? क्या आपने किसी पायलट को देखा है? अगर आपने एयर ट्रैवलिंग की है तो 100% एयरपोर्ट वगैरह पे आपने पायलट्स को देखा होगा. उनकी लाइफस्टाइल के बारे में आपको पता होगा. डेली बहुत सारी जगह पे वो लोग ट्रैवल करते रहते हैं. 5-star होटल्स में स्टे उनको मिलता है. उसके अलावा एयरपोर्ट अम्यूनिटीज एन्जॉय कर सकते हैं और अच्छी खासी सैलरी उनको मिलती है. सो ये सारी चीज़ें देख करके आपका भी मन होता होगा कि मैं भी पायलट बन जाऊँ. लेकिन पायलट बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको करनी रहेगी. उसके अलावा बहुत सारा एक्सपेंस आपको बैर करना पड़ेगा. कितना एक्सपेंस होगा सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ, किसी पायलट का नाम आपको पता है? आई 100% श्योर एक पायलट का नाम आपको पता होगा, अभिनंदन वर्धमान. यस, ही इज़ अ फाइटर पायलट. इंडियन एयरफोर्स में वो है और 2019 में इंडिया पाकिस्तान का स्टैंड ऑफ जब हुआ था तब पाकिस्तानी फाइटर प्लेन्स इंडियन एयर स्पेस में आ गए थे. तब अभिनंदन वर्धमान सर ने चार्ज लिया था और उन्होंने उन फाइटर प्लेन्स को फाइट करते हुए वापस पाकिस्तान में भेजा था. लेकिन इस ड्यूरेशन में उनका जो प्लेन था वो क्रैश हो गया था और उनको पैराशूट से लैंड करना पड़ा था. तो वो पाकिस्तान में जा कर के लैंड हुए थे. 2 दिन में पाकिस्तान आर्मी ने उन्हें वहाँ पर रखा था और वापस इंडिया भेजा गया. इंडिया आने के बाद में उनको इस एक्शन के लिए, इस बहादुरी के लिए वीर चक्र अवार्ड भी दिया गया. सो ये सारी चीज़ें सुन करके, देख करके हमें भी एक्साइटमेंट होता है कि एक फाइटर पायलट की लाइफ कैसी होती होगी और फाइटर पायलट बनने के लिए हमें क्या करना है. तो हम इस वीडियो में दोनों चीज़ें देखेंगे कि अगर आपको कमर्शियल पायलट बनना है तो आप किस तरीके से बन सकते हो, और अगर आपको फाइटर पायलट बनना है तो वो भी आप किस तरीके से बन सकते हो. पहले हम देखेंगे कमर्शियल पायलट बनने के लिए क्या करना रहेगा, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है. तो अगर आपने साइंस चूज़ किया है तो वेल एंड गुड. अगर आपने साइंस नहीं चूज़ किया है तो पर्टिकुलर आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो है वो पढ़ने रहेंगे और ओपन स्कूल से उसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा. साइंस में, पर्टिकुलरली फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश में, तीनों सब्जेक्ट में मिनिमम 55% आपके होने चाहिए तो आप एलिजिबल रहोगे. उसके बाद में आपको एक फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन लेना है. फ्लाइंग स्कूल आपको ध्यान रखना है चूज़ करते वक्त कि वो DGCA की अप्रूव्ड फ्लाइंग स्कूल हो. DGCA मतलब के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन. ये एक ऐसी बॉडी है जो पूरे के पूरे सिविल एविएशन को, एविएशन इंडस्ट्री को कंट्रोल करती है. जो भी रूल्स वगैरह हैं वो यहाँ से दिए जाते हैं. तो इस एक फ्लाइंग स्कूल आपको चूज़ करनी रहेगी. उसके बाद उसमें एडमिशन लेने के लिए एडमिशन एग्ज़ाम आपको देना रहेगा, जिसमें कुछ रिटर्न टेस्ट होगा और उसके बाद पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, उसके बाद इंटरव्यू रहेगा और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जो DGCA के रूल्स के अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम होगा. और उसमें मेडिकली अगर आपको फिट पाया गया तो आपको उस फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा. बहुत सारी फ्लाइंग स्कूल इंडिया में अवेलेबल है. कुछ फ्लाइंग स्कूल के नाम मैं यहाँ पे लेकर के डिस्कस करता हूँ. तो एक फ्लाइंग स्कूल है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी, दिल्ली फ्लाइंग क्लब, बॉम्बे फ्लाइंग क्लब, उसके अलावा मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब, गुजरात फ्लाइंग क्लब, अहमदाबाद एविएशन अकेडमी. ऐसी बहुत सारी फ्लाइंग स्कूल्स हैं जहाँ पर जा करके आप एडमिशन ले सकते हो. वहाँ पे आपको क्या सिखाया जाएगा उसके बारे में डिस्कस करें तो जो ड्यूरेशन है वो अराउंड 18-24 months का ड्यूरेशन रहेगा. पहले आपको कुछ थियोरी पढ़ाई जाएगी. थियोरी में आपको एयरक्राफ्ट सिस्टम्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, एयरक्राफ्ट कंट्रोल के बारे में पढ़ाया जाएगा, आपको वेदर के बारे में पढ़ाया जाएगा, नेविगेशन सिस्टम्स के बारे में पढ़ाया जाएगा और इस तरीके की चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी. और उसके साथ साथ में फ्लाइंग लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा. उसके बाद में आपको प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा. प्रैक्टिकल जो है 3 अलग अलग लेवल में होगा. पहला है आपका
स्टूडेंट पायलट लाइसेंस। आपने थियरी कंप्लीट की और जैसे ही आपने स्टार्ट किया आपको स्टूडेंट पायलट लाइसेंस मिलेगा, जिसमें एज अ स्टूडेंट आप किसी भी प्लेन को चला सकते हो, आपके साथ में एक इंस्ट्रक्टर होना चाहिए। आपने जैसे ही 60 आवर्स फ्लाइंग के कंप्लीट किया, वैसे ही आपको एक पर्सनल पायलट लाइसेंस मिल जाएगा, और कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए आपको 200 आवर्स कंप्लीट करने रहेंगे। आपने 200 आवर्स फ्लाइंग के कंप्लीट किए, उसके बाद में आपको एक कमर्शियल लाइसेंस मिल जाएगा। वो लाइसेंस ले करके आप कहीं पे भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसमें एक्सपेंस कितना रहेगा? इसमें जो एक्सपेंस है वो अराउंड 30-40 लाख रुपीज़ का एक्सपेंस रहेगा। एक्सपेंस बहुत ही ज़्यादा है, मुझे पता है बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं, या फिर इस लाइन में जाने के लिए इतना लोन जो है वो ले करके पायलट बनने के लिए वो जा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इतना लोन भी नहीं लेंगे और इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके लिए एक दूसरा ऑप्शन भी है, वो हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे कि दूसरा क्या ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ से आपको एक कमर्शियल लाइसेंस मिल गया है। अब आपको क्या करना है? अब आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो बहुत सारी एयरलाइंस में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि स्पाइस जेट है, इंडिगो है, विस्टारा है, इस तरीके की बहुत सारी आप कंपनीज में जा करके अप्लाई कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे क्या होगा, जॉब मिलने के बाद में आपको एक और ट्रेनिंग के लिए जाना होगा। यहाँ पे आपने जो प्लेन उड़ाया है वो एक छोटा प्लेन है। जब आप जॉब करोगे, प्लेन उड़ाओगे, तो बड़ा पैसेंजर प्लेन आपको उड़ाना है, तो अलग अलग प्लेन में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। डिपेंड करता है कि कौन सा प्लेन वो लोग यूज़ कर रहे हैं, बॉइंग का प्लेन यूज़ कर रहे हैं या फिर एयरबस का प्लेन यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। तो आपको उस प्लेन के लिए भी प्रैक्टिस करनी रहेगी। उस प्लेन को उड़ाने की प्रैक्टिस के लिए जो ट्रेनिंग होती है उसको बोलते हैं टाइप रेटिंग ट्रेनिंग। उसके लिए आपको अलग से 25-30 लाख का एक्सपेंस करना रहेगा। वो करने के बाद आपको टाइप रेटिंग की ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट होगी और उसके बाद आप एयरलाइन में एज अ पायलट ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले एंट्री लेवल पे आपका डेजिग्नेशन होगा जूनियर फर्स्ट ऑफिसर, जिसमें आपकी सैलरी अराउंड 50,000 से 1 लाख के आसपास रहेगी। एक दो साल के बाद में आपका प्रमोशन होकर के आप एज अ फर्स्ट ऑफिसर सर्व कर सकते हो, जहाँ पे आपकी सैलरी अराउंड 2-3 लाख के आसपास रहेगी। उसके बाद में कुछ एक्सपीरियंस के बाद में आपका प्रमोशन होकर के आप एज अ कैप्टन सर्व कर सकते हो, जिसमें आपकी सैलरी 3-5 लाख पर मंथ के आसपास रहेगी। तो यहाँ पे इस फील्ड में सैलरी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही अच्छी सैलरी है और बहुत सारी चीज़ें एन्जॉय करने को मिलेगी। लेकिन इससे पहले आपको एक्सपेंस भी बहुत ही ज़्यादा करना है और मेहनत भी उतनी ही करनी रहेगी। नंबर टू, अगर आपको कमर्शियल लाइन में नहीं जाना है, आपके अंदर देशभक्ति की भावना है, आपको देश के लिए कुछ करना है, फाइटर पायलट बनना है, तो इसके लिए क्या करना है वो हम देखेंगे। इसके लिए दो ऑप्शन है। हो सकता है आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया हो और अभी आपको फाइटर पायलट बनना है, तो उसके लिए आप CDSE का एग्ज़ाम दे सकते हैं, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन, जो UPSC के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इसमें जो एज लिमिट है वो 23 ईयर्स है। 23 ईयर्स से ज़्यादा अगर हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, उससे कम हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसमें रिटर्न टेस्ट प्लस इंटरव्यू होगा और मेडिकल एग्ज़ाम होगा। इसमें अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आप इंडियन एयरफोर्स में सर्व कर सकते हैं एज अ फाइटर पायलट। पहले आपकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आप अपना सर्विस ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे जो ट्रेनिंग है वो एब्सोल्युटली फ्री है, कोई भी आपको एक्सपेंस नहीं करना है, सारा एक्सपेंस गवर्नमेंट करेगी। आपको ट्रेनिंग लेना है, उसके बाद में आपको एयरफोर्स में सर्व करना है। नेक्स्ट डिस्कस करें हम लोग, तो अगर आप स्कूल में हो और अभी से आपने डिसाइड कर लिया कि आपको फाइटर पायलट ही बनना है, तो आप NDA ज्वाइन कर सकते हो, नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसको ज्वाइन करने के लिए भी आपको इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसमें रिटर्न एग्ज़ाम होगा और इंटरव्यू होगा। उसके अलावा एक और मैंडेटरी
क्राइटेरिया है, आपके फिजिक्स और मैथमेटिक्स में 50% से ज़्यादा होने चाहिए, दैट इज़ कंपलसरी। उससे कम है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा है तो आप टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। टेस्ट और इंटरव्यू के बाद में मेडिकल टेस्ट होगा, और सारी चीज़ में अगर आपने क्लियर कर दिया तो आपकी 3 साल की ट्रेनिंग होगी। 3 साल की ट्रेनिंग के बाद में आप एज अ फाइटर पायलट सर्व कर सकते हो। यहाँ पे भी जो ट्रेनिंग है वो एब्सोल्युटली फ्री रहेगी, आपको कोई भी एक्सपेंस नहीं करना है, पूरा एक्सपेंस गवर्नमेंट आपके लिए करेगी, उसके बाद आप इंडिया को सर्व कर सकते हो। सैलरी की बात करें तो कमर्शियल के कंपैरिजन में यहाँ पे आपकी सैलरी कम रहेगी। यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी आपकी 50,000 से लेकर के 80,000 के आसपास रहेगी, और जैसे जैसे आपका रैंक बढ़ेगा, आपकी सर्विस में आपका एक्सपीरियंस होगा और रैंक बढ़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी भी इंक्रीज होगी। लेकिन कमर्शियल पायलट से कंपेयर करें तो आपकी सैलरी कम रहेगी, लेकिन इसमें बेनिफिट भी है। कमर्शियल पायलट अगर आपको बनना है तो बहुत सारा एक्सपेंस भी करना है, यहाँ पे आपको उतना एक्सपेंस नहीं करना है, एक बेनिफिट। दूसरा, आप इंडियन डिफेंस सर्विसेज में काम कर रहे हो, सो दिस इज़ अ प्राइड फॉर यू, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए ये बहुत गर्व की बात होगी कि आप इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और देश के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो। तो यहाँ पे हमने 2 अलग अलग ऑप्शंस देखे, अगर आपको कमर्शियल पायलट बनना है तो किस तरीके से बन सकते हो, अगर आपको फाइटर पायलट बनना है तो किस तरीके से बन सकते हो। अगर आपको पायलट नहीं बनना है, कुछ और बनना है, तो कमेंट सेक्शन में जाकर के लिख करके बताइए कि आपको क्या बनना है और किस चीज़ पे आपको आगे वीडियो चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और ऐसे ही करियर रिलेटेड आपको वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।